अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात की थी, उसके यूनिट्स देखे थे, और आज हमने जो है वो एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करनी है। इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो हमारे सेक्शन बी में आती हैं, वो हमने निपटानी है आज। ठीक है, तो हमारा मेरा ख्याल से जो आज का लेक्चर होगा वो लेक्चर नंबर 3 पार्ट नंबर 6 होगा, आई थिंक सो। जी, लेक्चर नंबर 3 पार्ट नंबर 6 होगा हमारा, तो कोई ऐसे मसले की बात नहीं है, आराम हम तो चल रहे हैं बहुत। पार्ट नंबर 6 हमारा आज का होगा बेटा। तो सबसे पहले जो डिस्कस करने वाली चीज है यहाँ पे वो ये है कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है, पेपर में ये नहीं चलेगा व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी, पेपर में ये नहीं चलेगा व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, आपको लेकिन पता होना चाहिए एंगुलर वेलोसिटी क्या है और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है। तो पहले एंगुलर वेलोसिटी के बारे में पढ़ लेते हैं, वो समझा देता हूँ। नोट करने की जरूरत तो नहीं है ये चीज, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना और उसको याद ध्यान नहीं करना उसकी बार बार, तो आप इसको कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा शुरू करते हैं एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है हमारे पास। स्टार्टिंग डालते हैं एंगुलर वेलोसिटी की। सबसे पहली बात देखें, आप ये बात जानते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या था, कि जो थीटा बन रहा था बेसिकली सर्किल में, मैं सर्किल बना के दिखाता हूं आप लोगों को, ये आपके पास एक सर्किल आ गया। ठीक है, अच्छा, और ये इसका है रेडियस r, ये इसका क्या बेटा रेडियस r है फॉर एग्जांपल। और यहां पर बॉडी पहले पॉइंट p पर है, और इस वक्त लेट सपोज टाइम समझ ले क्या है t1 है। सही है, बॉडी जो है पॉइंट p से पॉइंट यहां पर जो है यहां से लेके, आप ये बात जानते हैं, और यहां क्या था टाइम t2, पॉइंट q था, और ये जो चीज थी वो क्या थी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा थी। याद आ गया होगा आप लोगों को याद था। ठीक है, कि जो बॉडी ने पॉइंट p से लेके पॉइंट q तक डिस्टेंस कवर किया था उसको हम क्या कहते थे, यहां पे ये हमने इसको s कंसीडर किया था, याद होगा आप लोगों को, इसको s कंसीडर किया था, यानी कि r लेंथ और रेडियस को डिवाइड करवाया था। तो हमारे पास ये जो एरिया है थीटा जो है बेसिकली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गई थी। लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था। आज हमने क्या करना है इसमें, देखें इसमें हमने आज ये करना है, मैं आपको दोबारा बना के दिखाता हूं डायग्राम। आज कुछ सिलसिला यूं है, कोई मुश्किल बात नहीं है, बात तकरीबन जो है अगर बच्चों ने वो समझी भी होगी वाली डेरिवेशन जो मैंने करवाई थी आप लोगों को। देखें, अब ये तो हो गया रेडियस आर, ये हो गया यहां से लेकर रेडियस आर, समझ में आ रही है बात यहां तक। अब लेट सपोज पहले बॉडी जो है टाइम वन के लिहाज से यहां मौजूद थी, और थीटा था हमारे पास T1, क्या थीटा था बेटा T1, सॉरी थीटा 1, सही है, और ये जो है टाइम क्या था T1। थोड़ी देर के बाद, यानी कि टाइम थोड़ा गुजरने के बाद T2 पर अब जो जहां पहुंची है बॉडी, वो पॉइंट क्या हो गया, वो पॉइंट हो गया Q, सही है, वो पॉइंट क्या हो गया बेटा Q हो गया, सही है बेटा। अच्छा, उसके बाद ये जो एंगल बना अब इसके बाद ये वाला सेंटर O से लेके ये जो एंगल बना ये वाला, ये क्या है थीटा 2, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये वाली कवर हुई है, और टाइम क्या है यहाँ पर T2 है, टाइम क्या बेटा T2 है। आ रही है बात समझ में वाली। अब मैं चाहता हूँ कि एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट कर लूँ। मैं ये बात जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो है वो लीनियर वेलोसिटी हुआ करती थी, तो आपके पास जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, अगर कोई बॉडी जो है सर्कुलर मोशन में ट्रेवल कर रही है, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी क्या कराती है, एंगुलर वेलोसिटी कराती है। फाइंड आउट कैसे करते हैं कि आप फाइनल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को माइनस कर दीजिए, ठीक है, और क्या करें टाइम से डिवाइड कर दें, या डेफिनेशन यू भी कर सकती है द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, ये भी कह सकते हैं आप, क्योंकि लीनियर वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है, ये होती है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, तो एंगुलर ये बन जाएगी द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो और एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, सही है बेटा। अब ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं एंगुलर वेलोसिटी को, मैं कह सकता हूं ना कि आपके पास जो डेल्टा थीटा आएगा, कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट होगी, वो क्या होगी थीटा 2 माइनस थीटा 1 होगी, और जो चेंज इन टाइम होगा वो क्या होगा T2 माइनस T1 होगा,
समझ में आ गई बात ये वाली। अब मैं चाहता हूँ कि एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट कर लो, तो एंगुलर वेलोसिटी को मैं ओमेगा से रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं क्या रिप्रेजेंट करता हूँ कि बुक रिप्रेजेंट करती है एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से, सही है। तो फॉर्मूला आपके पास क्या आ जाएगा, फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा कि डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इज द फॉर्मूला ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा इक्वल्स टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, ये वाली बात समझ में आ गई। तो यही फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी का होता है, ठीक हो गया मामला यहाँ तक। अच्छा, इसके अलावा अगर कोई चाहता है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में फाइंड आउट कर लूं, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट कर लूं, तो इंस्टेंटेनियस मतलब क्या होता है, किसी भी इंस्टेंट पे फाइंड आउट करना बेसिकली। अभी तो हमने यहाँ लिया पॉइंट बी पे लिया, पॉइंट बी पे लिया, हम चाहते हैं यहाँ पे मालूम कर लें, यहाँ पे मालूम कर लें, यहाँ पे मालूम कर लें, किसी भी इंस्टेंट पे चाहे एंगुलर वेलोसिटी मालूम करना, तो वो कहलाती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। डेफिनेशन क्या होती है, द एंगुलर वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सर फर्क क्या होता है, फर्क ये होता है कि आप क्या करते हैं, फॉर इंस्टेंटेनियस, मैं आप लिख भी देता हूँ कि फॉर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फर्क क्या आता है आपके पास, फर्क कुछ यूं आता है, जरा देखते जाइएगा, मैं लिख भी रहा हूँ फॉर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, फॉर इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी की बात करें ना, फॉर इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी आपके पास जो बनेगा फॉर्मूला वो सारा सेम यही होगा, लेकिन फर्क क्या आएगा आपके पास, फर्क सिर्फ इतना आएगा कि ओमेगा डालेंगे और नीचे लिखेंगे इंस्टेंटेनियस, ठीक है। इसके अलावा यहाँ क्या कर देंगे, सिर्फ अप्लाई कर देंगे लिमिट, लिमिट क्यों अप्लाई करते हैं, ये दिखाने के लिए कि आपके पास जो टाइम है वो इंतहाई छोटा है, मिनिमम टाइम है, जब आप मुसलसल हर पॉइंट के ऊपर निकालना चाहेंगे तो जो आपके पास बीच में टाइम होगा वो कैसा होगा, छोटा होगा। अब यहाँ से लेके बॉडी यहाँ गई, यहाँ से आ गई, टाइम बहुत ज्यादा नहीं है एज कम्पेयर टू होल सर्कल, ये आर्क लेंथ का टाइम कितना होगा, बहुत मामूली सा होगा। तो आप क्या करते हैं, जब भी किसी पॉइंट पर निकालनी हो आपको इंस्टेंटेनियस, जब आपको वेलोसिटी निकालनी हो तो वो पॉइंट पे निकालने वाली वेलोसिटी क्या कहलाती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाती है। आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट अप्लाई करती है, और लिमिट क्या होता है, सर आपके पास जो टाइम है वो इंतहाई छोटा है, यानी कि अप्रोचेस टू जीरो है, और बाकी का जो फॉर्मूला वो सेम रहता है, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी रहता है। ये तुम्हारे पास क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया। आगे बात समझ में आ सकती, एक बार फिर से बता देता हूँ क्या होती है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी आपके पास ये कोई भी अगर बॉडी है, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसकी वेलोसिटी क्या कराती है, एंगुलर वेलोसिटी कराती है, ठीक है बेटा। और एंगुलर वेलोसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं, आप ये बात जानते हैं, लेट सपोज के बॉडी जो है कुछ पॉइंट पी पे दी पहले, ठीक है, और पॉइंट पी पे जब वो टाइम लगा कर आई है वो टाइम क्या था, टी वन था, और जो डिस्प्लेसमेंट कवर करके आई है पॉइंट पी पे वो डिस्प्लेसमेंट क्या थी, थीटा वन थी। कुछ टाइम और कवर कर, कुछ टाइम और गुजारने के बाद आफ्टर सम इंटरवल, यानी कि वो सम इंटरवल क्या था, टी टू था, बॉडी जो है पॉइंट पी से पॉइंट क्यू पे चली गई, सही है। अच्छा, अब सिलसिला क्या है कि एक्स एक्सिस से बॉडी कितना दूर जा चुकी है, यानी कि बिल्कुल इनिशियल पॉइंट से बॉडी कितना दूर जा चुकी है, अब वो थीटा टू है, वो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो थीटा टू है, ये वाली बात समझ में आ गई। अब मैं ये चाहता ही हूँ कि बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी फॉर्मूला क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलता है, फाइनल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये तो आ गया चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। टाइम में चेंज तुम्हारे पास क्या आया, टाइम में चेंज तुम्हारे पास क्या आया, कि पहले टाइम तुम्हारे पास टी वन था, बाद में टाइम क्या हो गया, टी टू हो गया, तो कैसे फाइंड आउट करोगे, टाइम डेल्टा टी इक्वल टू टी टू माइनस टी वन से तुम्हारे पास चेंज इन टाइम आ जाएगा। फॉर्मूला क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो रेट मतलब क्या होता है कि आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को टाइम से क्या करवा रहे हैं, डिवाइड करवा रहे हैं, तो यही आपने किया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम आ गया है, तो फॉर्मूला क्या बन गया, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी आ गया। किसी भी पॉइंट पर निकालना चाहते हो, कहीं भी छोटे छोटे आप यूं समझे, किसी भी आर्क लेंथ कवर की बॉडी ने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर की जा रही है, आप किसी भी पॉइंट पर कभी भी निकालना चाहें, तो आपके पास जाहिर है छोटे 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 पॉइंट्स हैं, जब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं आपके पास, तो होगा बेसिकली क्या, टाइम उनके दरमियान कैसा होगा, बहुत छोटा होगा, टाइम छोटा होगा, तो आप क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे लिमिट, लिमिट क्या होता है, टाइम आपके पास बहुत छोटा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, डेल्टा टी इक्वल्स टू जीरो हो गया, ये फॉर्मूला किसका हो गया, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी का हो गया। आई होप सो के पास समझ में आ गया यहाँ तक। अच्छा बच्चों, हम जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो कौन सा है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है इसके अंदर। आइए देखते हैं कि एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पता होना चाहिए एक्सेलरेशन क्या होती है बच्चों, वाली बात है बहुत, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब बात कर रहे हैं एंगुलर एक्सेलरेशन की, तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। कैसे फाइंड आउट होती है, क्या होती है, आइए देखते हैं इस चीज़ को। हम देखें, सबसे पहले हमने क्या किया, एक सर्कल बनाएंगे, जिस तरीके से भी हम एंगुलर वेलोसिटी पढ़ कर आए उसी तरीके से सेम वैसे ही एक सर्कल बनाया आपने, सही है बेटा। उसके बाद जो है ये आपके पास सेंटर ऑफ द सर्कल से लेकर सर्कमफेरेंस का डिस्टेंस क्या हो गया, रेडियस ऑफ द सर्कल हो गया, सही है बच्चों। उसके बाद जो है फर्ज कर लें कि इस पॉइंट ओ यानी सेंटर से लेकर पॉइंट पी तक
जो बॉडी ने वेलोसिटी कवर की है वो ओमेगा वन होगी, और सेंटर से लेकर जो पॉइंट क्यू तक जो बॉडी ने वेलोसिटी कवर की है वो ओमेगा टू होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि ये तुम्हारे पास फॉर एग्जांपल वेलोसिटी ओमेगा वन है और ये तुम्हारे पास वेलोसिटी ओमेगा टू है, यहाँ टाइम टी वन लगा और यहाँ टाइम जो है वो टी टू लगा। तुमसे कह रहे हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, तो चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये देखें, चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी मतलब डेल्टा ओमेगा, तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी क्या है? ओमेगा टू। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी क्या है? ओमेगा वन। आगे बात समझ में यहाँ तक, और जो टाइम चेंज हो रहा है वो टाइम चेंज क्या है? डेल्टा टी इज इक्वल्स टू टी टू माइनस टी वन। अब अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर एक्सेलरेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से बेटा। ठीक है, ये तुम्हारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन बात समझ में आ गई ना, क्या है द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी? एंगुलर वेलोसिटी को आप टाइम से क्या करवा दें, यूँ समझिए टाइम से डिवाइड करवा दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगी? एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगी। ठीक है, अब फिर वही वाली बात, क्या अगर सर हम निकालना चाहते हैं फॉर इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा? इंस्टेंटेनियस मतलब अभी बता चुका हूँ मैं एंगुलर वेलोसिटी के अंदर, कि किसी भी पॉइंट पे अगर आप मालूम करना चाहें तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं किस तरीके से बताया था। और ये क्या होगी एंगुलर एक्सेलरेशन आपके पास? द एंगुलर एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड एंगुलर इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। सही हो गई बात यहाँ तक, फॉर्मूला वही रहेगा जो फॉर्मूला था, लेकिन बस फर्क क्या आ जाएगा कि आप यह आप क्या लिखेंगे नीचे छोटा सा आई एन एस है कि इंस्टेंटेनियस लिख देंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद जो है फॉर्मूले में लिमिट लग जाएगा। लिमिट क्यों लग रहा है? क्योंकि विद पॉइंट टू पॉइंट निकाल रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट जब निकाल रहे हो तो इसका मतलब यह है इंस्टेंटेंटली निकाल लो, फौरन फौरन निकाल रहे हो ना, तो फौरन फौरन का मकसद ये टाइम बहुत छोटा है। जब टाइम बहुत छोटा है तो डेल्टा टी अप्रोचेस टू क्या हो गया? जीरो हो गया। फॉर्मूला रिमेन सेम, यानी कि डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी इज द फॉर्मूला ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ये वाली बात समझ में आ गई बिल्कुल यहाँ तक। अच्छा बच्चों, एक चीज क्लियर कीजिएगा कि एक आपके पास होती है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एक होती है एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, दोनों डिफरेंट चीजें हैं। क्या डिफरेंट है ये देखें, एंगुलर तो क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। टेंजेंशियल क्या है? टेंजेंशियल बेसिकली आपके पास है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी। अब इसमें सर लीनियर वेलोसिटी कहाँ से आ गई? ये तो आपके पास सर्कुलर पाथ है, देखें इसके अंदर भी लीनियर वेलोसिटी हो सकती है। वो कैसे? लेट सपोज बॉडी जो है भी इस टाइम पॉइंट क्यू पर है, अगर सर्किल से बाहर निकल जाए, जिस वेलोसिटी से सर्किल से बाहर निकलेगी तो वो क्या होगी? टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी। टेंजेंशियल वेलोसिटी कह लें या लीनियर वेलोसिटी कह लें, यहाँ पर तो बात एक ही है। क्या मकसद? देखें, ये बाहर निकली, ये यहाँ से होगा, यहाँ से बाहर निकलती है तो यहाँ ऐसे बाहर निकलेगी। ये वाली बात समझ में आ रही है आप लोगों के? देखें, अब टेंजेंशियल इस केस के अंदर, सर्कुलर पाथ में टेंजेंशियल क्यों कह रहे हैं? टेंजेंशियल इस वजह कह रहे हैं क्योंकि अभी बात जानते हैं कि जो लाइन सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल को टच करती हुई निकल जाए वो कहलाती है टेंजेंट। ठीक है, तो इस सिनेरियो के अंदर जो लीनियर वेलोसिटी बेसिकली वो टेंजेंशियल वेलोसिटी है, और जो यहाँ पर एक्सेलरेशन बनेगी टेंजेंट डायरेक्शन में क्या कहलाएगी? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहलाएगी। ये वाली बात समझ में आ गई? यूँ समझ लें द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, या यूँ समझ लें कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, लेकिन शर्त क्या है कि लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है कैसी होनी चाहिए? सर्किल के टेंजेंट होनी चाहिए, तो वो वाली एक्सेलरेशन क्या कहलाएगी? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहलाएगी। समहाउ लीनियर एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एक ही चीज़ है। ठीक है, लेकिन अगर सर्कुलर पाथ से बाहर निकलता है, फार अवे फ्रॉम द सर्किल जाता है, तो वो लीनियर एक्सेलरेशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बन जाती है। क्यों? क्योंकि जब जो डायरेक्शन बेसिकली सर्कल से बाहर निकलने वाली, वो टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर देती है। सही हो गई बात यहाँ तक, समझ में आ गया मामला यहाँ तक? सही है बच्चों, तो ये आपके पास क्या हो गया? एंगुलर एक्सेलरेशन का मामला सारा यहाँ पर निबट गया। सही है। अच्छा, एक और बात जो डिस्कस करना मैं भूल गया था एंगुलर वेलोसिटी में, जो कि यूनिट्स है, उसके यूनिट्स देखें क्या होंगे एंगुलर वेलोसिटी के। फॉर्मूला क्या है? एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला है ओमेगा इज इक्वल्स टू डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के दो यूनिट पढ़कर आए थे, बड़े इंपॉर्टेंट, रेडियन और डिग्रीज। आपस में रिलेशनशिप भी पढ़ा था उनका हम लोगों ने। तो रेडियन अगर इसका यूनिट है तो क्या हो जाएगा? तीन यूनिट्स बन सकते हैं। कौन कौन से? एक तो बन जाएगा तुम्हारे पास रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ एंगुलर वेलोसिटी की। एक बन सकता है तुम्हारे पास डिग्री पर सेकेंड। ठीक है बेटा, और तीसरा जो तुम्हारे पास होता है वो तुम्हारे पास होता है इसका रेवोल्यूशन पर सेकेंड। सही है, रेवोल्यूशन क्योंकि आपका कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में रेवोल्यूशन कवर कर रहा होता है। सही है, अगर बात करूँ मैं एंगुलर एक्सेलरेशन की, यानी कि अल्फा इज इक्वल्स टू
डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी, तो इसका यूनिट क्या तुम्हारे पास है, इसका यूनिट रेडियन पर सेकेंड। तो एक और सेकेंड नीचे आ गया, जब एक और सेकेंड नीचे आ गया सारे के सारे यूनिट जो है वो सेम रहेंगे, लेकिन फर्क तुम्हारे पास क्या आ जाएगा कि रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा और डिग्री पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, तो ये सारा फर्क आ जाएगा। और एक जो एक और यूनिट होगा वो क्या बनेगा, रेवोल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर बन जाएगा। सही हो गई बात यहाँ तक? तो ये जो है तुम्हारे पास तीन यूनिट्स हैं, सही हो गई। ये किसके यूनिट्स हैं? तीन एंगुलर एक्सेलरेशन के यूनिट्स हैं। यहाँ तक मामला एकदम क्लियर है? कोई बात अगर कोई कॉन्सेप्ट अगर समझ में ना आया हो, कोई बात समझ में ना आई हो, तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे सेंड कर दीजिएगा, सर ये जो बात है समझ में नहीं आई है, चाहे तो व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ लीजिएगा या चाहे तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। यहाँ तक काफ़ी, मैंने कहा था लेक्चर के शुरू में कि हम जो है वो वी इक्वल टू आर ओमेगा भी करेंगे और ए इक्वल टू आर अल्फा भी करेंगे, दो बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। कौन कौन सी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, एक आपके पास है वी इक्वल टू आर ओमेगा और एक आपके पास है ए इक्वल टू आर अल्फा, लेकिन चूंकि खामा खा जो है ये लेक्चर बड़ा लेंदी हो जाएगा, इस वजह से आपके पास अभी फिलहाल इसको रहने देते हैं। हम जो नेक्स्ट पार्ट करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है, उसके बाद जो है उसके फिर क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में, हम ये करेंगे कि ये दोनों डेरिवेशन जो है वी इक्वल टू आर ओमेगा भी और ए इक्वल टू आर अल्फा भी, दोनों हम क्या करेंगे उसके अंदर सॉल्व करेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, पेपर में सेक्शन बी में आती है, कभी दोनों दे देते हैं और बीच में और लगा देते हैं कि एक करें और कभी एक ही देते हैं, तो आप दोनों की प्रिपरेशन करिएगा। बहुत आसान सी बात है, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। जब ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होती है, जब ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए आपको, तो मुझे नहीं लगता कि ये डेरिवेशन आप लोगों के लिए इतनी मुश्किल होगी। बहुत ही आसान बच्चों वाली डेरिवेशन होगी, ठीक है, आराम से हो जाएगी, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। बस चूंकि लेक्चर की लेंथ जो है काफ़ी लंबी हो गई, इस वजह से मैं अभी फिलहाल जो है दोनों डेरिवेशन नहीं करवा रहा, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट के अंदर ये ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक काफ़ी है आज का लेक्चर, अपना ख्याल रखिएगा बच्चों, कोई बात हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।